थैंक अरुणा मिशन और डॉक्टर उदय सर की ओर से मैं नीता पटेल आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सत्र में वेव ऑफ जॉय के बारे में हम बात करेंगे, कुछ नई गाइडेंस और कुछ नया नॉलेज हम हासिल करेंगे और वो गाइडेंस को अच्छी तरह से अपने अंदर उतारने के लिए हम अपने आप को सेंटर करेंगे, छोटा सा रिलैक्सेशन करके हम खुद को तैयार करेंगे। इज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन, जेंटली क्लोज योर आईज। अपनी आंखें बंद कर दीजिए और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पे। पूरा ध्यान सांसों की गहराई पे, हर आने जाने वाली सांस पे आपकी नजर हर अंदर जाने वाली सांस गहराई से अंदर जा रही है, और बहुत ही आसानी से बाहर निकल रही है। आपका पूरा ध्यान इसी सांसों पे जो आपका प्राण है, जो आपका जीवन है, जो आपके अस्तित्व का कारण है, और हर अंदर जाने वाली सांस को आसानी से छोड़ो जो आपके लिए एक आशा की किरण है, जो नई सांस की पॉसिबिलिटी को लेके आ रही है। breathe in and breathe out, breathe in and breathe out. हर अंदर जाती हुई सांस में आपके पूरे शरीर को पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर दिया है। पैरों के तलवों से लेकर कमर, स्टमक, चेस्ट, दोनों बाजू, नेक और आपके फेस, फोरहेड, पूरे हेड को कवर कर लिया है। आपका पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से भर चुका है। पॉजिटिव से भर चुका है। का पूरा शरीर शिथिल हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। इसी रिलैक्स बॉडी के साथ आपका मन
पूरी तरह से शांत होने लगा है और इसी शांत मन की अवस्था में आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने ही इष्ट देव को याद करें। अपने गुरुदेव को ब्रह्मांड की सभी शक्तियां सभी सोर्सेस को एंजल्स कुल देवी जिसमें भी आपको श्रद्धा है सभी को याद करते हुए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आज के सत्र में डिवाइन की ओर से मिलने वाली हर गाइडेंस को, नॉलेज को, हर विजडम को हम बहुत ही गहराई से अपने जीवन में उतार पाए और आध्यात्मिक उन्नति कर पाए ऐसी शक्ति प्रदान करें। और मान लीजिए इसी भगवान ने, सभी डिवाइन शक्ति ने आपको एनर्जाइज कर दिया है, आपकी प्रार्थना को कबूल कर लिया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हो नए ज्ञान को, विजडम को रिसीव करने के लिए, ओपन हो चुके हो नई नॉलेज को पाने के लिए। इस नई ऊर्जा का संचार अपने मन में महसूस करते हुए बहुत ही भाव के साथ धन्यवाद करते हुए प्यारी सी मुस्कान के साथ इसी प्रेजेंट मोमेंट में आने की कोशिश करें। धीरे से अपनी हाथ पर की उंगलियां हिलाते हुए अपने हाथ को रब करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद। फिर से इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। वेव ऑफ जॉय, हम आज इसके बारे में कुछ नया गाइडेंस लेंगे जो उदय सर ने हमें देना चाहा है। वेव ऑफ जॉय के बारे में हम बात करते हैं। वेव मतलब एक तरंग हम जानते हैं, और जॉय हैप्पीनेस खुशी, तो इसको हमें वेव के फॉर्म में हमारी लाइफ में कंटिन्यू बनाए रखना है। इसके लिए हम हमारे धर्म की ही बात कर लेते हैं कि हमारे धर्म में भी ये सब हमारी संस्कृति में बना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे ये भूल हो चुकी है कि हम भूल गए हैं या तो हम अपनाने का एक मिस कर गए हैं। तो जॉय क्या है या तो खुशी क्या है, हम हर रोज एवरी मोमेंट में इसको नहीं पाते हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि कभी हमारी सैलरी होती है तब हमें खुशी
क्रिएट करनी है, या तो कुछ नया इवेंट है, हमारे घर में कुछ सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है, तभी हमें कुछ खुशी या खुशी का माहौल क्रिएट करना है। लेकिन सर ने यही गाइडेंस दिया है कि हर मोमेंट को हमें खुशी से मनाना है, और मनाने को हम क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन कहते हैं। तो सेलिब्रेशन जो कोई इवेंट नहीं है, जो कोई फंक्शन नहीं है, कभी कोई त्योहार आता है तभी हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा नहीं है। एवरी मोमेंट को हमें सेलिब्रेट करना है। तो यहाँ तक कि सर तो यही बताते हैं कि हमें, हम जैसे हम बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं, हमारी संस्कृति में ये तीन चीज का सेलिब्रेशन हमने सिखाया है। जो हम मटेरियल कोई चीज को पाते हैं तब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जो हमें ब्रह्मा जी ने सिखाया है। हम प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, जो हमें कृष्णा ने बताया है, और डेथ को भी सेलिब्रेट करते हैं। सब विधियां रखते हैं, और खाना खाने की एक विधि भी उसमें होती है 12वें 13वें के, तो वो भी एक प्रकार का सेलिब्रेशन है। तो वो हम शिव जी ने बताया है, तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने जो बताया है वो सब कुछ सेलिब्रेशन के फॉर्म में बताया है। और इसमें वो भी बताया है कि हर चीज को सेलिब्रेट करना है, चाहे जन्म हो, चाहे हमारा जीवन हो, चाहे मरण हो, सबको सेलिब्रेट करना है। हमारी संस्कृति में भी यही है, बार बार उत्सव आते हैं, बार बार गणपति आता है, फिर नवरात्रि आती है, पतंग का महोत्सव आता है, को दिवाली आती है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन के जरिए हम जॉय को हमारे जीवन में लाते हैं। और एवरी मोमेंट को हमें यही पल में रहना है, ऐसे ही माहौल हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में क्रिएट करके रखना है। तो एक्चुअली ह्यूमन बीइंग का ये नेचर है, जैसे बच्चा है, बच्चा पूरे टाइम सेलिब्रेट करता है, एवरी मोमेंट को वो हंसी से, खुशी से बिताता है, चाहे वो गिर भी जाए, 1 मिनट रोने के बाद वो हंसता है। बच्चा जो है वो पूरा टाइम अपने ही खुशी में रहता है, चाहे उसने कपड़े पहने हो नहीं पहने, वो हंसता रहता है। वो बोलने से पहले गाना गाना सीखता है, वो ट्यूनिंग में कुछ ना कुछ गुनगुनाता है, राइट? तो फिर हम रोक टोक के उसको बताते, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा बोलना है। उसको रोक टोक के जो वो जॉय की फीलिंग में था, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। वो चलने से पहले वो डांस करता है, जैसे चलने से पहले वो अपने ही पैर पे वो डांस करना सीखता है। तो एवरी मोमेंट को वो एंजॉय करता है। लेकिन हम उनको रोक टोक के कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसा नहीं बोलना है, पोयम बोलनी है, पोयम बोलता है तो नहीं, ABCD बोलनी है, ये नहीं 1 2 3 4 बोलना है, ऐसा रोक टोक के उसका जो कुछ भी अंदर इनर की फीलिंग है, ओरिजिनलिटी है, उसको हम भगा देते हैं और मटेरियल को अंदर डालते हैं। मटेरियल मतलब कि तुझे एजुकेशन लेना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, बड़ा होना है, कंपटीशन करनी है, और कंपटीशन के माहौल में उसके अंदर जो फ्रीडम था, जो एंजॉयमेंट थी, जो सेलिब्रेशन था, जॉय हैप्पीनेस था, वो कम होता जाता है और फियर बढ़ जाता है। जैसे ही फियर बढ़ता है तो रूट चक्र इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। रूट चक्र में हमारा सब कुछ हेल्थ है, स्किन है, टीथ है, हमारा हेयर, बोन्स, वो ब्लड, वो सब कुछ रूट चक्र से संबंधित है। तो जैसे ही रूट चक्र इम्बैलेंस होता है, हमारे पूरी हेल्थ इम्बैलेंस हो जाती है। इसके साथ साथ ऊपर का लेवल मतलब कि सैक्रल चक्र भी डिस्टर्ब होता है। सैक्रल चक्र में फिर इनसिक्योरिटी की भावना हो जाती है कि कंपटीशन में अगर पहला नंबर नहीं आया तो, टीचर ने डांटा तो, मम्मी नाराज हुई तो ऐसा करके इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। इनसिक्योरिटी से आगे ईगो आ जाता है, जेलसी आ जाती है, उससे मेरे नंबर कम आए, ऐसा करके जेलसी आ जाती है। जेलसी के साथ साथ हमारा मणिपुर चक्र डिस्टर्ब होता है, उसके साथ साथ हैट्रेट हो जाता है, एंगर हो जाता है, फिर हार्ट चक्र डिस्टर्ब होता है। तो
ऐसा कर करके हमारे पूरे मतलब बच्चे के लेवल से ही सब जो चक्र है इम्बैलेंस होना चालू हो जाता है। जब तक वो बड़ा हो जाता है और मटेरियल वर्ल्ड में घुस जाता है और कंपटीशन वर्ल्ड में और फिर ओल्ड एज में डिसीज से भर जाता है, रोग से भर जाता है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रगल स्ट्रेन वो सब ज्यादा हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी कम हो जाती है, फियर इतना बढ़ जाता है, फ्रीडम कम हो जाता है, इतना कंपटीशन वर्ल्ड हो जाता है, कंपटीशन में पड़ जाता है कि हमारा जो एंजॉयमेंट है सेलिब्रेशन है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए हर चीज को सेलिब्रेट करना है और हर चीज में जॉय खुशी को क्रिएट करना है, चाहे छोटी सी हमें पैन भी मिले ना तो इसको हमें एंजॉयमेंट से के साथ खुशी के साथ एक फीलिंग को क्रिएट करनी है। जैसे ही क्यों ऐसा करना है, जैसे ही हमने खुशी को क्रिएट किया हमारे दिल खुश हुआ, साथ साथ में हमारा माइंड हमारा मन खुश हो जाता है। जैसे ही मन में एक खुशी की लहर आ गई, एक खुशी की लहर आती है ना तो वाइब्रेशन आता है, जैसे वाइब्रेशन आता है तो हमारे पूरे सेल में वो वाइब्रेट होता है। जैसे ही न्यू एनर्जी आती है ना वाइब्रेशन आता है, जैसे ही न्यू एनर्जी आई न्यू वाइब्रेशन आया तो उसके साथ साथ हमारे हर सेल न्यू बन जाते हैं, हर टिश्यू में कुछ नई एनर्जी भरती है, हर टिश्यू नया होता है तो रीजनरेशन होता है, पुराने टिश्यू पुराने सेल मर जाते हैं, रीजनरेशन होता है। तो जैसे ही रीजनरेशन होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, हमारी कुछ अलग हमारा माहौल बन जाता है, हमारी पूरी बॉडी अलग बन जाती है, तो हेल्थ होने लगती है, हेल्दी बनने लगते हैं, तो अपने आप रोग नाबूद हो जाते हैं। रोग के लिए दवा की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन की जरूरत है, रोग के लिए नई ऊर्जा की जरूरत है, रोग को भगाने के लिए इम्यूनिटी की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी दुनिया एक अलग ही रास्ते पे जा रही है। जैसे सब चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन आना वो ही एक तय करता है कि मैच्योर सोल पे आ गए हो, हम सेल्फ रियलाइजेशन पे आ गए हैं और अंदर जाने की एक अवस्था आ चुकी है। जैसे ही अंदर जाएंगे रियलाइजेशन होगा अपने बारे में अपने लाइफ के बारे में, तब जाके कुछ ना कुछ नई नॉलेज नई ऊर्जा नया इंट्यूशन मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो चुका है, डिप्रेशन आया मतलब कि डॉक्टर के पास जाओ और एंटी डिप्रेशन वाली दवाई लेके और जितना बैलेंस है उसको भी इनबैलेंस कर, तो ये ही कर करके प्रेशर है सुगर है सबकी एंटी डोज डाल डाल के हमने और भी अपने चक्र को इनबैलेंस कर लिया है। तो इसका सही एक ही रास्ता है, मेडिटेशन करना है और जॉय की एक लहर को कंटिन्यू बनानी है, वेव ऑफ जॉय। तो जो खुशी दिवाली में हम बनाते हैं, जो खुशी साल में एक बार बर्थडे के दिन पे बनाते हैं, वो खुशी क्यों ना हर रोज मनाई जाए, वो खुशी क्यों ना हर रोज दिया जलाते हैं तो दिवाली का दिया जलाया जाए, क्यों ना हर रोज हम खाने बैठते हैं तो हमारी खुशी मत बर्थडे के दिन जो होती है सेलिब्रेशन के दिन जो होती है वो ही खुशी के साथ, अगर हम हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करें एंजॉयमेंट करें पूरा का पूरा एक अलग सा माहौल क्रिएट करें तो वो जॉय वेव ऑफ जॉय जो है वो बनी रहनी चाहिए। जॉय एक पॉइंट है और एक एक कण कण को मिला के एक तरंग बनती है, वेव बनता है, तो वो कण कण को कंटिन्यू बनाए रखना है तो एक वेव बन जाएगी। तो कंटिन्यू हमारे अंदर खुशी की लहर अगर रही तो एक लहर बन जाएगी, खुशी का माहौल बना तो वो लहर बन जाएगी और कंटिन्यू हमें वेव के फॉर्म में खुशी को बनाए रखना है। एक्चुअली साई करुणा मिशन का
एक ही फंडा है और एक ही मोटो है, एक जो स्लोगन है, वो स्लोगन आप सब जानते हैं। वो स्लोगन क्या है जो सर ने दिया है? मजा आ गया। हाँ, हम बार बार बोलते हैं ना, मजा आ गया। सर को भी अगर पहली बार मिलो या तो कुछ भी बात करो, सर बार बार हर सेंटेंस के बाद बोलते हाँ मजा आ गया। तो ये मजा आ गया जो है वो ही हमारा वेव ऑफ जॉय है। कुछ भी करो मजा आ गया। तो आज से हमें बार बार यही बोलना है, मजा आ गया। तो हर छोटे छोटे काम में अगर हम मजा लेने की कोशिश करेंगे ना, तो वेव ऑफ जॉय ऑटोमेटिक हमारे हर मोमेंट में जुड़ जाएगा, हमारे हर सेल में जुड़ जाएगा, हमारे बॉडी के हर पार्ट में मजा आ गया अगर अंदर इंस्टॉल हो गया, तो हर काम में हम मजा लेंगे, राइट। तो डेली के रूटीन में अगर काम वाली नहीं भी आए, तो कपड़े बर्तन करने के बाद अगर हम ये बोले आहा मजा आ गया, तो आज की जो विजडम है सही तरीके में हमारे अंदर उतर जाएगी। तो हम पहले तो फेक इट बिफोर यू मेक इट, पहले तो खाली खाली भी बोलना है, ऐसे ही बोलना है। अगर नहीं मजा आए तो भी बोलना है, अरे वाह मजा आ गया, आज तो पैर दुख गया। पहले तो ऐसा लगेगा कि ऐसा हम नहीं कर सकते, लेकिन बोलो एक बार फेक इट बिफोर यू मेक इट। तो बार बार अगर हम ऐसा बोलेंगे हाँ मजा आ गया, तो हमें सर की याद भी आ जाएगी, एसकेएम के साथ जुड़ भी जाएंगे और एसकेएम के सभी स्पिरिचुअल सोल की चेतना के साथ अगर हम जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक हमारा कॉन्शियसनेस हाई हो जाएगा, राइज हो जाएगा और ऑटोमेटिक हम इन्वोकेशन में आ जाएंगे। तो ये इतना बड़ा फायदा है सर का एक फंडा, एक स्लोगन, मजा आ गया। तो वो ही हमारे वेव ऑफ जॉय को हमारे जीवन में बनाए रखेगा। तो जॉय के लिए, उसकी वेव को बनाए रखने के लिए कोई खुशी को ढूंढने नहीं जाना है, बस सिर्फ बोलते रहिए मजा आ गया। कुछ भी काम किया मजा आ गया, चाहे जैसे हम करते हैं ना, बहुत भूख लगी हो और खाना खा लेते हैं तो बोलते हाँ मजा आ गया, तो मेरी फेवरेट डिश बन गई, पानी पूरी मिल गई तो मजा आ गया। तो ऐसे ही करेले का साग भी खाओ तो भी मजा आ गया, एक बार बोल दीजिए। तो ऐसे ही अगर हम ये स्लोगन को अपने जीवन में उतार लेंगे, जिनके साथ तो हम जुड़े ही है, एसकेएम के साथ तो हम जुड़े ही है, तो सिर्फ उसको अब अपनाना है। तो जैसे ही हम ये बोलेंगे, हम मान लेंगे, धीरे धीरे हमारे हर सेल में, हमारे हर बॉडी पार्ट में ये फीलिंग जुड़ जाएगी, मजा आ गया। और फिर खुशी को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बहाना नहीं चाहिए खुशी के लिए, बस कोई भी काम करे मजा आ गया। क्यों मजा आया? कारण कुछ नहीं, बस मजा आ गया। तो ये ही हम बात करेंगे, ये ही हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे। और ये मजा आ गया जो है, उसको हमें मेडिटेशन में जाके हमारे हर चक्र में इंस्टॉल करना है। हर चक्र में अगर इंस्टॉल कर दिया, तो वो चक्र घूमता घूमता हर सेल में जाके फैल जाएगा। तो यही हमारा स्लोगन आज से हम हर एक घंटे में, फिर हर आधे घंटे में बोलेंगे मजा आ गया, राइट। तो सर का यही एक गाइडेंस है जो हमें लेना है, हमें मानना है, हमें पालना है। मेडिटेशन में हम जाके माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, वेव ऑफ जॉय को हमारे अंदर उतारेंगे और मजा आ गया का हम इंस्टॉलेशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगले नेक्स्ट वीकेंड में 3 दिन का सैटरडे संडे मंडे को ऑनलाइन सेशन है KRPS और मनी अबंडेंस का, करुणा रेखी साइकिक सर्जरी और मनी अबंडेंस का ऑनलाइन सेशन है। जिसको भी रजिस्टर करवाना है, आप एसकेएम के मेंबर के पास रजिस्टर करवा सकते हो, जो बहुत ही बढ़िया स्पिरिचुअल टूल है KRPS।
इसके लिए आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच। आइए हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज का जो भी मेडिटेशन है ना, पूरी तरह से, मतलब चाहे बनावटी हो लेकिन खुशी को क्रिएट करते हुए करना है। तो पूरे टाइम मेडिटेशन में हमारी फेस पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको लॉटरी लग गई हो, मान लीजिए आपको अमेरिका का वीजा लग गया हो, मान लीजिए आपका कोई सपना पूरा हो गया हो, ऐसी खुशी हर दम आपकी फेस पे बनी रहनी चाहिए। क्योंकि हम जॉय का मेडिटेशन करते हैं, वेव ऑफ जॉय को, तो वो तरंग को काटने नहीं देना है, वो कंटिन्यू बनी रहनी चाहिए। मोजे की तरह दरिया में जो तरंग लहरें आती है ना, इसकी तरह हमारी खुशी भी बनी रहनी चाहिए, कट नहीं होनी चाहिए, तालाब की पानी की जैसे स्टैग्नेंट नहीं होनी जानी चाहिए, राइट। तो चाहे कोई भी रोग भी हो, अरे वाह मुझे तो प्रेशर हो गया है, अब मुझे प्रेशर पे काम करना है, मुझे अटैक पे काम करना है, मजा आ गया, चलो मेरे हार्ट के साथ मैं जुड़ूंगी और उसको मैं रिपेयर करूंगी। तो ये ही है, राइट। बर्तन अगर खराब हो गया है तो हम बहुत, मतलब जोर से, अगर स्पंज से नहीं होता है तो वो वायर वाला कुचा लेके उसको साफ करते हैं। तरीका बदलना है और क्या करना है, तो यही है, हमें कुछ भी हो जाए बस खुश रहना है और एंजॉय करना है। एंजॉय करने के लिए अपने दिल दिमाग को सिर्फ एक स्लोगन बता दीजिए, आज उसकी एंकरिंग हो जाएगी। जब भी आप बोलोगे मजा आ गया, तो आपके पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन की लहर फैल जाएगी, राइट। तो इसको हम इंस्टॉल करते हैं, अपने ही माइंड को प्रोग्राम करते हैं बहुत ही खुशी के साथ, चेहरे पे मुस्कान के साथ, आंखें बंद करनी है। मेडिटेशन के लिए प्लीज सिट इन कंफर्टेबल पोजिशन विथ स्माइल, क्लोज योर आईज विथ स्माइल। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे, मुस्कान के साथ। गहरी लंबी सांस, जो अंदर जा रही है, और मान लीजिए अंदर जाती हुई हर सांस आपके शरीर के हर सेल को गुदगुदी कर रही है, और जैसे गुदगुदी होती है आपके चेहरे पे स्माइल बन जाती है। हर बाहर निकलती हुई सांस आपके शरीर को बहुत ही प्लेजेंट टच कर रही है। हर अंदर जाती हुई सांस और खुशी का माहौल क्रिएट कर रही है, हर बाहर निकलती हुई सांस आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान फैला रही है। हर अंदर जाती हुई सांस गहराई से अंदर जा रही है, और देखिए बंद ही आंखों से ब्रह्मांड की ओर देखिए, पूरा ब्रह्मांड जैसे खिल गया है, मुस्कुरा रहा है आपको देख के, आपकी मुस्कान को देखकर ब्रह्मांड में
जितनी भी डिवाइन एनर्जी है, देखिए पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश भर चुका है जिसमें आपके भगवान है, इष्ट देव है, जिसको भी याद करोगे वो सबका इन्वोकेशन हो जाएगा। आपके इष्ट देव, करोड़ करोड़ देवी देवता, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मुस्कुराते हुए गणेश जी, हनुमान जी, फाइव एलिमेंट्स, नवग्रह, आपके पेरेंट्स, आपके सभी पूर्वज, आपके गुरु साईं बाबा, महावीर बाबा जी, करोड़ों साधु संत, ऋषि मुनि, अवधूता, नागा साधु, जितनी भी डिवाइन एनर्जी है, पूरा आकाश भर चुका है डिवाइन एनर्जी। सितारों के फॉर्म में आप देख रहे हो, आपका हायर सेल्फ, उदय सर, सभी डिवाइन एनर्जी बहुत ही खुशी के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ आपकी ओर ऊर्जा का संचार कर रही है। सफेद ऊर्जा के फॉर्म में आपको विजडम, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स को पहुंचा रही है। इसी ऊर्जा में सभी सिंबल्स की एनर्जी, एंजल्स की एनर्जी भी घुल चुकी है। आप बहुत ही खुश हो, बहुत ही खुश, क्योंकि इस एनर्जी को आपकी और आता हुआ देखकर आपका मन नाचने लगा है, खुशी से झूम उठा है। आप बहुत तैयार हो रिसीव करने के लिए इस ऊर्जा को, जो नाचती हुई ऊर्जा आपकी ओर आ रही है। और ये हीलिंग एनर्जी, दिव्य ऊर्जा आपके कमरे में प्रवेश कर चुकी है। देखिए आपका पूरा कमरा, जहां पे आप बैठे हो वहां पे इस एनर्जी पूरी तरह से फैल चुकी है, और आप महसूस कर रहे हो आपके आजू बाजू में जो भी फर्नीचर है वो सब में चमक आ चुकी है। विजुलाइज कर सकते हो अपने ही घर को, खुशी की लहर का वाइब्रेशन इतना पावरफुल है कि निर्जीव में भी जान आ चुकी है, और इसी वाइब्रेशन आपके क्राउन चक्र से
एंटर होता हुआ ये दिव्य प्रकाश, जैसे ही आपके क्राउन चक्र में टच कर लिया है, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार हो चुका है, नई वाइब्रेशन बन चुकी है। ये वाइब्रेशन आप अपने शरीर के हर सेल में महसूस कर रहे हो। आपके शरीर में हर बॉडी पार्ट में फैल रही है और जैसे ही ये दिव्य ऊर्जा ने आपके क्राउन चक्र के अंदर सीधे ही मूलाधार चक्र में प्रवेश कर लिया है। देखिए जैसे ही मूलाधार चक्र में ये मुस्कुराती हुई एनर्जी पहुंच चुकी है, आपका मूलाधार चक्र जैसे भी कंडीशन में था उससे स्टैंडर्ड पोजीशन में आ चुका है, बैलेंस की अवस्था में आ चुका है, परफेक्ट ऑसिलेशन में आ चुका है। और जैसे ही चक्र का घुमाव परफेक्ट ऑसिलेशन में आया, मूलाधार चक्र के संबंधित सभी सेल मुस्कुराने लगे हैं। देखिए अपने ही मूलाधार चक्र के आजू बाजू वाले बॉडी पार्ट, उसके हर सेल, हर टिश्यू रीजनरेट होने लगे हैं। उछल कूद करने लगे हैं और मुस्कुराते हुए खुशी की लहर को रिसीव करने लगे हैं। ये खुशी का लहर कंटिन्यू रुद्र चक्र के घुमाव के साथ कायम बन रहा है। वेव ऑफ जॉय अब रुद्र चक्र में इंस्टॉल हो चुका है और आप अपने ही मन में या लाउडली बोल सकते हो, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और अपना रोज चक्र परफेक्टली बैलेंस हो चुका है और हर कंडीशन में खुशी की लहर को फैला रहा है। ये खुशी की लहर धीरे धीरे ऊपर आती हुई इसी दिव्य ऊर्जा के साथ, देखिए आपके सैक्रल चक्र में फैल रही है और सैक्रल चक्र
परफेक्ट ऑसिलेशन के साथ घूम रहा है। आपके शरीर में जितना भी वाटर है, हर वाटर एलिमेंट, आपके शरीर के हॉर्मोन्स, फ्लूड, ब्लड, सब में ये खुशी की लहर फैल चुकी है। खुशी के वाइब्रेशन भर चुके हैं सेक्रल चक्र के संबंधित सभी बॉडी पार्ट्स, सेल और टिश्यू नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्योंकि ये खुशी की लहर हर सेल को गुदगुदी कर रही है। और इसी के कारण आपके फेस पे स्माइल आ रही है, हंसी आ रही है, आपका सेक्रल चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। और जैसे ही बैलेंस हो गया, आप खुद बोल सकते हो, आह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। और वेव ऑफ जॉय सक्रल चक्र को बैलेंस करते हुए, प्लेजर से भरते हुए, डिवाइन एनर्जी के साथ मणिपुर चक्र की ओर बढ़ रही है। देखिए आपका मणिपुर चक्र जो फायर एनर्जी के इम्बैलेंस से भरा है, जैसे ही ये तरंग डिवाइन एनर्जी के साथ मणिपुर चक्र में प्रवेश कर ली, आपका मणिपुर चक्र स्टैंडर्ड पोजीशन में आ चुका है। मणिपुर चक्र की ऑसिलेशन परफेक्ट हो चुकी है। कोई ईगो नहीं है, ओनली पावर, पैशन, क्रिएटिविटी से भर चुका है। महसूस करें आपका ही मणिपुर चक्र और इसके संबंधित सभी बॉडी पार्ट्स, सभी ऑर्गन के लाखों करोड़ों सेल इस खुशी के वाइब्रेशन से वाइब्रेट हो रहे हैं। मानो हर सेल में स्माइली बन चुकी है और ये स्माइल आपके चेहरे पे दिख रही है। खुशी की लहर मणिपुर चक्र में फैल रही है। हर टिश्यू, यहां तक कि डीएनए तक, ये खुशी का माहौल फैल चुका है। वेव ऑफ जॉय, ये तरंग, ये कंपन आपके डीएनए को भी रिजनरेट कर लिया है। अब आपके अंदर माना एक न्यू बॉडी बन रही है, हेल्दी बॉडी बन रही है, नई बिलीफ सिस्टम के साथ, हेल्दी और हैप्पी लाइफ की। मेंटालिटी बन रही है,
हर हालत में, हर सिचुएशन में आप खुश रह पा रहे हो, आपका फायर एलिमेंट बैलेंस हो चुका है। जैसे ही आपका मणिपुरा चक्र परफेक्टली बैलेंस महसूस करिए और अपने ही मणिपुर चक्र के लिए बोलिए, मजा आ गया, आहा मजा आ गया, हा मजा आ गया। और जैसे ही आप 3 बार मजा आ गया बोलते हो, आपके चक्र में ये इंस्टॉल हो चुका है। आप पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हो सभी बैलेंस चक्र को, हेल्दी और स्माइली सेल को, टिश्यू को। धीरे धीरे मजा आ गया कि लहर, वेव ऑफ जॉय की वाइब्रेशन डिवाइन एनर्जी के साथ आपके हार्ट चक्र में फैल रही है। डीप ब्रीदिंग के साथ महसूस करें, जैसे ही आपके हार्ट चक्र में प्रवेश कर लिया है, आपका हार्ट एक्सपांड हो रहा है, आपका हार्ट चक्र फैल चुका है। आपके हार्ट से बहने वाली रक्त की हर बूंद में ये डिवाइन एनर्जी समा चुकी है और साथ साथ में वेव ऑफ जॉय की वाइब्रेशन हर चक्र के ऑसिलेशन को परफेक्ट बना रही है। लव की, कंपैशन की एनर्जी बढ़ रही है और जैसे ही अनकंडीशनल लव, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, हार्मनी से भर चुका है आपका हृदय, हर चक्र एक्सपांड होने लगा है, आपका ऑरा क्लीन और ग्रीन होने लगा है। जैसे ही ऑरा क्लीन होने लगा है, आपका पूरा शरीर नया बन रहा है, हेल्दी बन रहा है और हर सेल हार्ट के आजू बाजू के एरिया में सभी बॉडी पार्ट्स, सभी सेल, टिश्यू खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ये डांस की गुदगुदी आपके चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान बना रही है। जैसे ही आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने लगा है, परफेक्ट ऑसिलेशन में आ चुका है, आप अपने ही आप महसूस कर रहे हो और बोल रहे हो, मजा आ गया, अब तो मजा आ गया, हाँ मजा आ गया।
मजा आ गया कि स्लोगन को बहुत ही पावरफुली हमने अपने हार्ट में इंस्टॉल कर दिया है, हर धड़कन के साथ। अब ये अपने आप खुशी क्रिएट कर रहा है, हर धड़कन। मजा आ गया कि स्लोगन को गुनगुना रही है। देखिए अपने ही हृदय की धड़कन को और सुनिए इसमें से क्या आवाज आ रही है। हर धड़कन बोल रही है मजा आ गया, और पूरे शरीर में रक्त की हर बूंद के साथ खुशी की एक लहर फैल रही है। अब ये कायम बन चुका है, सहज बन चुका है। आपका हृदय अनकंडीशनल खुशी से भर चुका है। अब खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए कोई कारण, कोई वजह की जरूरत नहीं है। हर वक्त हम खुश हैं, हर वक्त मजा को एंजॉय कर रहे हैं। और जैसे ही पूरा हार्ट भर चुका है खुशी से, ओवरफ्लो हो चुका है हैप्पीनेस से, ओवरफ्लो का ये गुब्बारा अब आपके थ्रॉट चक्र में प्रवेश कर रहा है, डिवाइन एनर्जी के साथ, हर सिंबल के साथ। जैसे ही आपका थ्रॉट चक्र में ये एनर्जी ने प्रवेश कर लिया है, आपके विशुद्ध चक्र में गोल गोल घूमने लगा है वेव ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, डिवाइन एनर्जी। आपकी गले के आजू बाजू गोल गोल घूम रही है और आपके थॉट चक्र को बैलेंस कर रही है। हर सेल में से आपके अनवांटेड एनर्जी का कंजेशन, ब्लॉकेजेस सबको निकाल रही है। मैक्सिमम ब्लॉकेजेस जो थर्ड चक्र में दबे पड़े हैं, बिना एक्सप्रेस किए हुए इमोशंस, ओवर एक्सप्रेस किए हुए इमोशंस, सबको ये एनर्जी धो रही है, परिवर्तित कर रही है। और देखिए आपका थॉट चक्र पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। जैसे ही परफेक्ट ऑसिलेशन में घूम रहा है हाथ चक्र के आजू बाजू बॉडी पार्ट्स, सब सेल टिश्यू रिजनरेट होने लगे हैं, नई ऊर्जा से भरने लगे हैं और आपका थ्रॉट चक्र पूरी तरह से हार्मोनी में आ चुका है। विचार, वाणी और वर्तन में
एक रूपता आने लगी है। आपके गले से निकलने वाली हर आवाज खुशी फैला रही है, हर शब्द पॉजिटिविटी को फैला रहे हैं, औरों को खुशी दे रहे हैं, क्योंकि बैलेंस थ्रॉट चक्र के साथ अब बोल रहे हो, मजा आ गया, स्माइल के साथ, मुस्कान के साथ मजा आ गया। और एक बार बहुत ही मजा आ गया। हर सेल इसी स्लोगन को रिपीट कर रहा है और धीरे धीरे ये तरंग, ये वाइब्रेशन आपके थर्ड आई चक्र में प्रवेश कर रहा है। सागर की लहरों की तरह आपके मन में, मन के हर कोने में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सभी माइंड में ये वाइब्रेशन फैल चुका है। डिवाइन एनर्जी समा रही है, सिंबल के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ। आपका सबकॉन्शियस पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर चुका है, हैप्पीनेस के वाइब्रेशन से भर चुका है। आपका लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन बैलेंस हो चुका है, हर न्यूरॉन्स में खुशी की लहर दौड़ रही है। आपका ब्रेन हर दम, हर मोमेंट खुशी वाले केमिकल्स क्रिएट कर रहा है। आपका ब्रेन बॉडी के 63 ट्रिलियन सेल्स को ये ही मैसेज दे रहा है, हैप्पीनेस, खुशी, जॉय, स्माइल। और देखिए जैसे ही आपका थर्ड आई चक्र पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी से भर चुका है, जॉय, हैप्पीनेस से वाइब्रेट होने लगा है, थर्ड आई चक्र बैलेंस हो चुका है, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ रहा है, बिना कारण भी आप हैप्पीनेस मोड में रह पा रहे हो। हर मोमेंट आप खुशी से बिता रहे हो, जी रहे हो। आपका मन अब सदा के लिए अल्फा अवस्था में बन रहा है। आप पूरी की पूरी लाइफ, पूरा का पूरा जीवन मन की अल्फा अवस्था में जी रहे हो, और इसी अल्फा अवस्था आपके पूरे शरीर और मन को हेल्दी बनाने में मदद कर रही है। जैसे ही थर्ड आई चक्र पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है, परफेक्ट ऑसिलेशन में घूम रहा है, डीप ब्रीदिंग के साथ
मुस्कान के साथ, खुशी के साथ। रिपीट कीजिए, मजा आ गया। हाँ मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। जैसे ही ओवरफ्लो होने लगा है अब आपका मजा, अब क्राउन चक्र में डिवाइन एनर्जी के साथ वेव ऑफ जॉय ने क्राउन चक्र में प्रवेश कर लिया है। आपके क्राउन चक्र की हजारों पंखुड़िया, थाउजेंड्स ऑफ पैलेट्स, सब पेटल्स में ये खुशी के वाइब्रेशन फैल रहे हैं और हर पंखुड़िया हिल रही है खुशी से, जॉय से, हैप्पीनेस से। पूरा क्राउन चक्र खुल चुका है, वाइडली ओपन हो चुका है। अब आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल को बहुत ही जल्दी पार कर रहे हो, आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। जैसे ही आपका क्राउन चक्र एक्सपांड ओपन हो रहा है, आपकी चेतना यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की चेतना के साथ मिल रही है। आपके गुरु की कॉन्शियसनेस और आपकी कॉन्शियसनेस एक हो रही है। यूनिवर्सल एनर्जी के साथ आप अलाइन हो रहे हो। और हर वक्त ये अलाइनमेंट कायम बन रहा है, पूरे के पूरे टाइम। अब ब्रह्मांड से अलाइनमेंट में हो, इन्वोकेशन में हो, कंटिन्यू ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, क्योंकि आप कंटिन्यू जॉय और हैप्पीनेस के वाइब्रेशन में हो। जैसे ही आपका क्राउन चक्र फादर स्काई के साथ और आपका रूट चक्र मदर अर्थ के साथ एक अलाइनमेंट में आ चुका है, हर मोमेंट, हर पल आप खुशी से जी रहे हो। अब ये आपका सहज स्वभाव बन चुका है। अब आप जीना जान चुके हो। अब तक जीवन पसार कर रहे थे, बिता रहे थे, अब आप जीना, जीवन को जी रहे हो। यू आर लिविंग योर लाइफ विथ जॉय एंड हैप्पीनेस एवरी मोमेंट, एवरी मोमेंट यू आर चैंटिंग मजा आ गया, मजा आ गया। खुशी के साथ, स्माइल के साथ, प्यारी सी मुस्कान के साथ मजा आ गया।
और ये मजा आ गया आपके वाइब्रेशन। आपने आपकी पूरी फैमिली में, पूरे फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, जॉब में, सोसाइटी में, पूरे समाज में ये मजा आ गया आपको, आपने फैला रखा है, ये आपकी पहचान बन चुकी है। हर काम में मजा लेना ये आपकी पहचान हो चुकी है। डीप ब्रीदिंग के साथ अपने ही शरीर के सब सेल को खुशी से नाचते हुए देखिए और हर सेल ब्रह्मांड को शुक्रिया अदा कर रहा है। हर बॉडी पार्ट, हर टिश्यू, सभी डिवाइन एनर्जी को जिनको भी हमने इन्वॉल्व किया है, सब दिव्य ऊर्जा को खुशी के साथ धन्यवाद कर रहा है। शुक्रिया। थैंक्स। आभार। अपने आप का, सर का, साईं बाबा का, सबका धन्यवाद करते हुए बहुत ही खुशी के साथ वेव ऑफ जॉय को कंटिन्यू बनाते हुए धीरे से हंसते हुए अपने ही हाथ को रगड़ते हुए इसी प्रेजेंट मोमेंट में स्माइल के साथ आने की कोशिश करें, बहुत ही खुशी की लहर के साथ। धन्यवाद अदा करते हुए आप अपनी आंखें खोल सकते हो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, मजा आ गया। अब ये ही स्लोगन को हम हर रोज मंत्र की भांति चेंट करेंगे, हर काम में, हर दुख दर्द में भी। यस, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, कल फिर से मिलते हैं।